स्वागत है आपका एंटी क्राइम न्यूज़ में। और आज हम पंचायती ओड में मौजूद हैं, जहां पर आज नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है पंच और सरपंच के लिए। और आइए हम बात करते हैं सरपंच और पंच कैंडिडेट से। सर, स्वागत है आपका एंटी क्राइम न्यूज़ में। और आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपने पंच के लिए नॉमिनेशन फाइल किया या सरपंच के लिए। शुक्रिया एंटी क्राइम न्यूज़ का। मैं केवल कृष्ण, सरपंच पंचायत अलका देवट से आज नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है। मैं जनता से यही, जितने भी लोग आए हैं ठेरू, सजानपुर, काला, सनाड़ी और देवट के, मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो काम हमारे अधूरे रहे हैं, चाहे वो ठेरू है, चाहे सजानपुर है, चाहे काला है, चाहे सनाड़ियाँ है, चाहे माड़ा है, उसको मैं पूरा करूँगा। तीन ही लक्ष्य मेरे होंगे, जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली पहुँचाएंगे, जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड देंगे, और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी समस्या हैं हम उनको पूरा करेंगे। जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार दिलवाएंगे। जो पिछले कार्यकाल में आपका जो काम अधूरा रह गया था, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? हम पूरा तन मन से पूरा कर पाएंगे और कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा भी करेंगे। ये नहीं कि पिछला जो रहा वहाँ पड़े रहेगा, हम और भी ज़्यादा उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा जहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमें प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही प्यार आगे देंगे। और मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज काम के वक्त अपना पूरा काम छोड़कर और हमारा साथ दिया। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप क्या डेवलपमेंट कराएंगे अगर जनता आपको सरपंच चुनती है। मैं सुभाष चंद्र पंचायत हल्का देवड़ से सरपंच का नामिनेशन मैंने दाखिल किया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा एंटी क्राइम न्यूज़ का। उसके बाद जो हमारे काम जहाँ के रुके हुए थे या हमारे काम नहीं हुए थे पंचायत के अंदर, हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, जैसे कि हमारी पंचायत के अंदर 5 गांव जो हैं, रेवन्यू विलेज जो हैं, वो आते हैं। इनके अंदर बहुत दूर दराज का इलाका है, जैसे हमारा बोड़ा क्रंग से लेके ऐसे ऐसे दूर दराज के मोड़े हैं जहाँ उस इलाके में कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और मैं गया भी हूँ और जगह जगह घूमा हूँ। मुझे पता है अपने इलाके का एक एक मोड़े को जानता हूँ मैं, और मुझे पूरी समस्याएं जो है, जहाँ रोड है, पानी है, बिजली है, जो भी है, वो उसको हल कराने के लिए पूरी कोशिश करूँगा जितना भी हो सकेगा। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी अपने एरिया को डेवलपमेंट कराऊँ। और उसके बाद मुझे जनता का आशीर्वाद भी, मुझे यही उम्मीद है कि मुझे मिलेगा। और मैं चाहूँगा जितना मेरे से हो सके, दिन और रात करके मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। यही मेरी अपने न्यूज़ है, अपने बात है, तो इसलिए जय हिंद। कुछ और कैंडिडेट हैं सरपंच कैंडिडेट, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं और आपने आज सरपंच के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है, तो आप क्या, जो जनता आपको सरपंच चुनती है, तो आप क्या काम करवाओगे, क्या डेवलपमेंट करवाओगे? सर, मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा, पंचायत हल्का दियोट से मैं न्यू सरपंच कैंडिडेट। पिछली बार मैं सरपंच था। सबका साथ और सबका विकास माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, उसी को लेकर हम चलेंगे और सबके साथ सबके विकास करेंगे। और कुछ पंच कैंडिडेट भी जहां पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं और आप कौन सी वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा नाम है प्रीतम लाल, मैं वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। और पिछली बार भी 2011 में इलेक्शन में पंच बना था, सभी लोगों का संविधान मिला, उनका संजोग मिला। और इस बार फिर भी जो हमारे से अधूरे काम गांव के, अपनी वार्ड के कमी पेशी रही है, उस कमी पेशी को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहेंगे और काम करेंगे। जो हमारे से नहीं हो पाएगा वो हम अपने सरपंच के पास जाएंगे। अगर सरपंच के पास नहीं होगा तो सरपंच को साथ लेके हम ऊपर सरकार के पास जाएंगे। और हर काम का वायदा है, जेब से तो लगा नहीं सकते, लेकिन जो सरकार से मिलेगा वो तन मन धन से लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सरपंच और पंच आज यहाँ पर वादा कर रहे हैं कि हम पंचायत में डेवलपमेंट के काम करवाएंगे, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि पंच और सरपंच गांव की कितनी डेवलपमेंट, जहाँ पंचायत की कितनी डेवलपमेंट करवा पाते हैं। जमीत सिंह, एंटी क्राइम न्यूज़, त्योड़।